हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जी। सो गाइस, अगर आप शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हो तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में तुमसे बात करने वाला हूँ वो तीन बड़े धोखे जो अक्सर लड़कों के साथ हो जाते हैं लड़की देखते समय, और वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं। तो चलिए उन पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब आप लड़की देखने के लिए जाओगे तो सबसे पहला धोखा जो आपके साथ हो सकता है वो हो सकता है डिग्री को लेकर। आपको ये बोला जाएगा कि भाई लड़की इतना पढ़ी लिखी है, और आप अगर कुछ डॉक्यूमेंट मांगोगे तो आपको क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपसे बोला गया कि जो लड़की है वो हमारी क्या है बीएड किए हुए है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको हाई स्कूल का, ट्वेल्थ का और जो ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट दिखा दिया जाएगा, लेकिन आपको जो बीएड की डिग्री होगी वो कह दिया जाएगा कि भाई अभी रनिंग है, अभी चल रहा है, लेकिन वो डिग्री आपको उस समय दे नहीं जाएगी, ये कह दिया जाएगा कि डिग्री बाद में मिलेगी। तो अगर आप शादी करने की सोच रहे हो तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट जब तक चेक ना कर लो तब तक उनकी कही गई बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत करना। तुम उतनी ही बातों पे यकीन करना जितने डॉक्यूमेंट तुम्हारे सामने हैं। जो डॉक्यूमेंट नहीं मिला है वो समझ लो कि वो डिग्री नहीं है, क्योंकि वो चीज़ शादी के बाद तुमको कुछ ना कुछ बहाना कर दिया जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से डिग्री नहीं मिल पाई। लेकिन ओवरऑल रियलिटी यही थी कि भाई वो वैसा कुछ भी नहीं कर रही थी। तो पहली चीज़ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके क्या है धोखा दिया जाता है, जिससे कि जो लड़का है वो शादी कर ले। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। फिर दूसरी चीज़ होती है हाइट को लेके। जैसा तुमको पता है कि भाई लड़कियों की जो हाइट होती है वो नॉर्मली क्या है कम होती है। अब जब हाइट कम होती है तो क्या किया जाए, तो ऑप्शन होता है हाई हील का। ऑप्शन क्या होता है, हाई हील का। तो लड़की अक्सर क्या करती हैं, जो हाई हील की सैंडल्स वगैरह होती हैं उसको पहन के आ जाती हैं। अब जब हाई हील के सैंडल पहन लेती हैं तो जो उनका कहते हैं सलवार सूट जो होता है उससे वो क्या है इतना लॉन्ग वाला सलवार सूट पहनती है कि भाई उससे क्या वो ढक जाता है। तो जब हाई हील ढक जाती है तो तुमको पता ही नहीं चल पाता है। तो कोशिश करिए जब भी लड़की देखो तो वो ये चेक करो कि लड़की चप्पल पहने है या नहीं। अगर लड़की चप्पल पहने तो क्लियर बोल दो कि भाई चप्पल उतार के आओ, चप्पल उतार दो, इस तरीके से बोल दो, तो तुमको उसकी जो एक्चुअल हाइट है वो पता चल जाएगी कि भाई उसकी एक्चुअल हाइट क्या है और वो तुम्हारे हाइट के नियर अबाउट क्या है होनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ होता है हाइट को लेके धोखा किया जाता है। जब तुम शादी कर लेते हो तब तुमको पता चलता है कि ये तो वास्तव में क्या है तुमसे बहुत छोटी है, दूसरा धोखा ये होता है। और जो तीसरा धोखा होता है वो होता है सुंदरता को लेके। कई लड़कियां हैं जो सुंदर दिखने में नहीं होती हैं, लेकिन जब तुम देखने जाते हो तो तुमको बिल्कुल सुंदर दिखाई देंगी। देखो इसके लिए क्या है, सुंदरता कितनी भी लड़की बदसूरत क्यों ना हो लेकिन उसको सुंदर किया जा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ब्यूटी पार्लर के दम पर ऐसा हो सकता है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्या हो जाता है कि भाई ऐसा सुंदर दिखने लगती हैं, उसका कारण वो क्या होता है। जैसे जो हमारा फेस होता है तो हमारे फेस का अगर आप कलर देखोगे तो जैसे अगर आप मेरा भी फेस देखोगे तो तुमको दिखाई दे रहा होगा कि इधर क्या है थोड़ा ग्लो कर रहा है, इधर थोड़ा क्या ब्लैक ब्लैक है। तो ये क्या है नेचुरल कलर है, ये क्या है नेचुरल कलर है। अगर मुझको अपने चेहरे का कलर जैसा यहाँ चमक रहा है वैसा यहाँ भी चमकाना है तो मैं क्या करूँगा, फाउंडेशन लगा लूँगा, प्राइमर लगा लूँगा और कंसीलर लगा लूँगा। इन तीनों को लगाने के बाद क्या होगा, जो फेस की ट्यून है वो एक जैसी हो जाएगी, और कहीं अगर जैसे मान लीजिए कोई कट है, कोई दाग है, कोई धब्बा है, तिल वगैरह है जो और लग रहा है देखने में, वो सब कुछ क्या है छिप जाएगा। मतलब प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर लगाने से ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं कि चेहरा एकदम आपका क्या क्लियर दिखने लगेगा। और नेक्स्ट चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि कुछ लड़कियों का जो माथा होता है वो छोटा होता है, तो वो क्या कर लेती हैं, जो ये बाल होते हैं ऊपर की तरफ के जो थोड़े थोड़े आगे आ जाते हैं बाल इधर, तो उसको क्या साफ करवा देती हैं। मतलब जैसे जो बाल होते हैं हमारे मेन बाल जहाँ से स्टार्ट होते हैं उसके आगे थोड़े क्या बाल निकल आते हैं, तो उसकी वजह से क्या माथा छोटा दिखने लगता है, तो उन बालों को कटवा देती हैं और अपने आप को अच्छा दिखने के लिए आईब्रो वगैरह बनवा लेती हैं। तो जब ये सब चीज़ें की जाती हैं तो क्या होता है कि एक इंसान जो दिखने में बदसूरत था वो भी खूबसूरत लगने लगता है। और भाई खूबसूरती तो भैया जो तुम्हारी नेचुरल खूबसूरती हो, सच्चाई यही है, लेकिन जब तुम देखने के लिए गए हो तो क्लियर भैया बोल दो कि भैया मेकअप वगैरह जो लगाए हुए हो मुंह धुल के आओ। अगर नहीं बोलोगे
तुम हेजिटेशन करोगे तो फिर भैया तुम शादी के बाद ये तैयार रहो कि जैसी तुमने देखी थी लड़की, लड़की वैसी नहीं दिखाई देगी। और ये तुम नहीं चेक कर सकते हो कि इसने कितना मेकअप लगाया है, कम लगाया है या ज़्यादा लगाया है, ये पता चल जाएगा मेकअप लगाया हुआ है, लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा कि मेकअप कितना लगाया हुआ है। वो तभी पता चल पाएगा जब वो लड़की अपना मुंह को धुल लेगी। तो इसलिए सुंदरता देख रहे हो तो उसको सही तरीके से देखो, अदरवाइज आगे चल के तुम्हारे सामने कुछ अलग ही रूप आ सकता है। फिर तुम सोचोगे कि मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा अक्सर हो रहा है, कई लोग हैं, कई लोग शादियाँ तक ऐसे टूट जाते हैं। क्यों टूट जाती हैं? क्योंकि भाई देखा कुछ था और हुआ कुछ, निकला कुछ, वही वाली बात आती है। तो देखो जो दिखेगा वो जरूरी वैसा हो, इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी लड़की देख रहे हैं तो चीज़ों को समझें। एक कहावत है कि भाई जब कोई पहाड़ी पे जाता है और जब पहाड़ पर ऊपर से देखता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखने पे क्या दिखाई देता है? नीचे तो देखने में क्या दिखाई देता है कि अंडे उबल रहे हैं। क्या उबल रहे हैं? अंडे उबल रहे हैं। लेकिन जब पास देख जाके देखते हैं तो क्या लगता है? गंजे उछल रहे हैं। तो वही वाली सिचुएशन आ जाती है कि भाई दूर से देखने पे अंडे उबल रहे हैं और पास से देखने पे गंजे उछल रहे हैं। तो वो कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, इसलिए चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी बात रखने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। अगर कोई कहता है अरे ऐसा थोड़ी होता है कि मुंह धुलवा दें, तो कह दो भाई कोई बात नहीं, तो भैया शादी के लिए आप डायरेक्टली इनकार कर दें। उस समय ना बोलना चाहें अगर आप, तो बाद में उसको इनकार कर दें। क्योंकि अगर आप नेचुरल कलर नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो लड़की वास्तव में दिखने में कैसी है। अदरवाइज तुमने एक्सपेक्ट कुछ किया होगा लेकिन तुम्हारे सामने कुछ और ही रिजल्ट होगा। और ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो मैंने तुमको क्या बताया, सबसे बड़ा धोखा होता है डॉक्यूमेंट को लेके, दूसरा धोखा तुम्हारा होता है क्या, जो हाई हील होती हैं उसको लेके, मतलब हाइट को लेके, और तीसरा धोखा क्या होता है, चेहरे को सुंदर बनाने को लेके। ये तीन मेन धोखे हैं जो क्या है अक्सर किए जाते हैं। और इन तीन धोखों को क्या है आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों धोखों से आपको क्या है बचना है। अगर इन तीन धोखों के बारे में याद रखोगे तो डेफिनेटली जो गलतियाँ आप करने वाले हो वो गलतियों से बच जाओगे और एक सही लाइफ पार्टनर को क्या चुन लोगे। और लड़कियों को अगर देखने के लिए जा रहे हो शादी के लिए, तो एक चीज़ ये ध्यान रखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं कि भाई लड़की जब देखने जा रहे हो तो लड़की से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछना है। अक्सर हमको पता नहीं होता है कि भाई कौन से क्वेश्चंस पूछें, क्या पूछें। और वो क्वेश्चंस अगर आप नहीं पूछते हैं तो लाइफ में आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर वो क्वेश्चंस आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करें, पॉडकास्ट प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको पॉडकास्ट में दिखाई देगा, वहाँ आपको पॉडकास्ट में दिखाई देगा मैरिज केसेस की प्लेलिस्ट। तो जो मैरिज केसेस की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर तुमको क्या करना है, सारे वीडियोस को देखना है। और जब वीडियोस को देखोगे तो तुम एक जेन्युइन चीज़ समझ पाओगे और वो वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसलिए उसको देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपकी शादी सिर्फ एक कोई खेल नहीं है, ये आपके लाइफ का डिसीजन है और आपको लाइफ भर क्या उसके साथ रहना है। और जो भी पार्टनर चूज करो साथ आपको रहना है। अब उसको अगर आपका फैसला गलत हुआ तो फिर आगे चल के आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूर और ज़रूर उस वीडियो को देखें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।